चाहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, चाहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन हो, चाहे पूना का फिल्म इंस्टीट्यूट हो, ये सरकार इन सबको ध्वस्त करना चाहती है, बंद करना चाहती है, क्योंकि ये प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष, खुले ख्यालों वाले जितने लोग हैं उनके खिलाफ है। ये भारत का जो मूलभूत स्वरूप है उसे बदलना चाहते हैं, जो भारत का सार्वजनिक संवाद है उसमें एक किस्म का संवाद, जो संघी संवाद है, उसको थोपना चाहते हैं। इस परिपेक्ष में जिस तरह से मानव संसाधन मंत्री ने एएमयू के कुलपति के साथ कथाकथित व्यवहार किया, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये हर व्यक्ति को जो इसके ख्याल से इत्तेफाक नहीं रखता उसको ह्यूमिलेट करना चाहते हैं, उसकी बेइज्जती करना चाहते हैं, और हर ऐसी संस्था को जो ये मानते हैं कि संघ की विचारधारा के खिलाफ है उसे बंद करना चाहते हैं। एएमयू में एक असमाधानता और एक तरह की अनरेस्ट पाई गई है, क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय के सामने मैटर चल रही है उसकी माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में, उसमें सरकार का रवैया क्या होना चाहिए, इस पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग परेशान हैं आज के माहौल में, जबकि हम लोग ये देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज और ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज में एक ऐसा परसेप्शन बन गया है कि सरकार उनके खिलाफ है। अगर इस परसेप्शन को दूर करना है तो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के लिए इससे बेहतर मौका नहीं होगा कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को का सहयोग करें और उनके जो उनकी भावनाएं हैं उनका आदर करें। माइनॉरिटी स्टेटस के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इतने वर्षों से काम कर रही है और उसने कई अच्छे लोगों को प्रोड्यूस भी किया है देश की सेवा के लिए, इतना उसमें किसी किस्म की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जो फाइल करना है सरकार को, उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी की स्टेटस जो है उसका स्वागत करना चाहिए और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए।